कल मेरे घर पे आए थे, कह रहे हैं कि बाहर देखने चलोगे, मेरी बाइक पापा लेके गए हुए थे। मैं बोला नहीं, आज पापा की बाइक नहीं हूँ, मेरी वाली बाइक लेके गए हुए हैं। कह रहे मैं अपनी लेके आता हूँ, लेकिन हमने कल मना कर दिया कि नहीं। आप सभी का आज पानी वाले ब्लॉग में, बारिश तक तो ठीक था, लेकिन अब हम लोगों के ब्लॉग में बाढ़ भी आ गई है। अभी हम लोग अपने मशीन पर हैं। इससे पहले एक वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हमारी मशीन है, जहां खेत वेत है सब, धान वान की फसल इस बार बोई गई थी। और पापा वापा बता रहे थे, खैर अपने को ज्यादा नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन लोग कह रहे थे कि नहीं इस बार धान काफी अच्छे होने वाले हैं। लेकिन अभी पीछे आप देख रहे हैं, धान तो दिख नहीं रहे हैं, उस पर पानी आ गया ना। तो ऐसा पहले भी, हाँ ऐसे पहले भी हुआ है हम लोगों के साथ कि जब भी, इसके पिछली बार तो उतना अच्छा बोया नहीं गया था, लेकिन जब भी अच्छी फसल होती है दो तीन साल पर बाढ़ इधर देखने को मिली जाती है। आप पूरा देख रहे होंगे, अभी सिर्फ ये रोड जो है ना थोड़ा सा बचा हुआ है। मुझे कितना होगा, दो तीन इंच पानी नीचे है, कहीं की तो रोड डूबी गया है और पीछे की साइड में तो रोड डूब गया है। हाँ तो अब ये है स्थिति। अभी तो मान लो हम लोगों का सिर्फ खेत डूबा है, और जिसके सच में घर वर में पानी और जो बिहार में हालात तो है वहाँ पे घर भी तो है, तो वैसे लोगों की क्या स्थिति होती होगी, सोचने वाली बात है। क्या चीज है, मछलियाँ ले लो ना। क्या चीज, मछली? कौन मछली मार, क्या मछली मार रहे हैं, क्या देंगे? अरे ऐसे थोड़ी ले लोगे। अभी आप देख रहे हैं ये धान है, अभी जो धान की जो रुपाई हुई है इस बार पानी में डूब गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन कल की डेट में लग नहीं रहा है कि ये दिखेगा भी। और साइड वाले खेत में तो एकदम ही नहीं दिख रहा, और आप देख रहे होंगे पानी काफी दूर तक फैला हुआ है, उसी साइड से पानी इधर को आता है। और आप इधर सामने आप देखेंगे, मैं वीडियो को जूम करता हूँ, जहाँ पर टावर है वहाँ पर एक घर भी है, तो इन लोगों को काफी दिक्कत होती है बाढ़ के टाइम पर। तो आप देखिए इनके घर के चारों तरफ पानी हो जाएगा, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। और सबसे खतरनाक चीज होती है ना बाढ़ के टाइम पर, इस पानी के आने की वजह से सांप बिच्छू और ऐसे जो जंगली जानवर होते हैं वो सब आ जाते हैं, जो कि काफी नुकसानदेह होता है। और इधर आप देखेंगे राइट साइड में, तो राइट साइड में जो है अपना गांव है, गांव थोड़े से ऊंचाई पे है, तो कभी भी बाढ़ आए कितनी भी ज्यादा आ जाए तो गांव के जो नीचे के घर हैं उनको सिर्फ टच करती है, गांव के अंदर कभी पानी नहीं जाता है। तो अभी ये जो सड़क है बीच में, सड़क के इस साइड है, लेकिन जो स्पीड जिस स्पीड से बढ़ रहा है ना, तो बहुत ही जल्द ये कुछ जगहों से क्रॉस भी कर गया है। इस साइड में देखिए, इस सड़क से राइट साइड में पानी क्रॉस कर गया है। और एक दो दिनों में जो इधर को आपको ये ग्रीन ग्रीन खेत वगैरह दिख रहे हैं, तो इसमें अभी नीचे पानी है, तो ये पानी ऊपर तक आ जाता है। अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर इस स्पीड से पानी रहा तो। तो मछली मिल भी रही है, मेढक का शिकार कर रहे हो? अरे वाह, काफी छोटी। ऐसे टाइम पे सबसे ज्यादा मजा ये चिड़ियों का है। पहले इतनी चिड़िया यहाँ पर नहीं दिखती थी, लेकिन अभी क्या है कि इनको चारा अच्छा खासा मिल रहा है ना, और वो भी अलग अलग वैरायटी के ढेर सारे मटेरियल मिल रहे हैं, मछली, उसके बाद केचुए और क्या क्या ढेर सारी चीजें। तो देखिए पूरा भीड़ लगी हुई है और अपना बढ़िया मीटिंग हो रही है। और क्या कर रहे हैं, जब भी तुम लोग आके थोड़ा डिस्टर्ब कर दिए, मैं भी इधर दिख ना रहा हूँ, पूरी रोड पर आगे ऐसे बैठी हुई है सब। और जैसे होता है ना पार्टी नहीं करते, बर्थडे पार्टी होती है तो लोग खूब शोर मचा रहे होते हैं, वैसे ये सब भी पूरा पार्टी कर रहे हैं। तो पानी जब रुकता तो है कुछ दिन, जब वापस जाता है तो उसके बाद बहुत सी छोटी छोटी मछलियाँ जो हैं इन खेतों में, धान वगैरह में फंस जाती हैं। तो ये सब कुछ दिनों तक इंजॉय करेंगे, एक का फायदा तो एक का नुकसान। इधर जो दो बालक दिख रहे हैं, ये क्या है कि पुराने बाढ़ प्रेमी है, पहले भी यहाँ पर दो तीन साल के गैप पर बाढ़ आता है। एक्चुअल में पहले मैं कॉलेज वगैरह में था तो मुझे आने का यहाँ मौका नहीं मिलता। मुझे याद है कि शायद मैं जब हाई स्कूल इंटर में था तब आया था एक बार, यहाँ पर बाढ़ आई थी, तो ये हम लोगों का कुआं है पूरा भर जाता है इसमें पानी वगैरह। तो हाँ, और घर में ना पूरा बिच्छू बिच्छू हो जाते हैं जब पानी वापस चला जाता है। तो बाकी ये हेलो सर, आप लोग तो रोजाना वाले हैं, पिछले साल भी आए थे, तो कैसा अनुभव रहा, क्या करते थे आकर यहाँ? यार यहाँ पर आके नहाते थे हम लोग। मैं नहीं नहाता था।
मतलब इस पानी में नहाए थे तुम क्या एक बार? मछलियों से डर नहीं लगता या कीड़े वीड़े या कुछ सांप वाप हो तो? नहीं, सब नहाते थे ना, सब नहाते थे। अरे बहुत सारे लड़के आते थे साथ, वो भी नहाते थे। मुझे लगा कीड़े सांप वगैरह भी साथ में सब नहाते थे, ऐसा डर नहीं रहता था कि भाई हम लोग भी नहाते यार। देखो यार पीछे चिड़ियों, इतनी चिड़िया बहुत मतलब पहले दिखती थी लेकिन अभी काफी दिनों बाद ऐसे इकट्ठा दिख रही है ना। एक बार मैं ऐसे ही था, चिड़िया वो क्या कहते हैं धान के लिए पहले उसका बीज डालते हैं ना, तो जब छोटे छोटे निकलते हैं तो उन्हें देखना पड़ता है कि चिड़िया ना खा जाए। तो मैं अकेले था ही, मशीन पे बैठा हुआ था सामने, जो मतलब हमारी टंकी है और सामने वाले खेत में बोया हुआ था। तो मैंने वो कहानी सुनी थी कि जैसे नहीं होता कि चिड़िया मार के उसे टांग के मतलब बांध के टांग दो तो वहां पर चिड़िया नहीं आएंगी। तो मैंने सुना था और मैं देखा कि यार खंभे के ऊपर ढेर सारी चिड़िया बैठी हुई थी। मैं बाबा उड़ा रहा था, परेशान हो गया था, दोपहर का टाइम था। मैं एक छोटा सा मतलब ढेला उठाया, जो भी है पत्थर ढेला, चिक्का चिक्का भी कहते हैं ना गोविंद, और क्या कहते हैं और क्या ढेला, पत्थर पत्थर मान लो नहीं कह सकते पर ढेला और चिक्का चल जाएगा, और भी कुछ कंकड़ वगैरह ऐसा कुछ। मैंने खींच के मारा उसके गर्दन पे जाके लग गई, मतलब ऐसी मैंने निशाना भी नहीं लगाया, मैं ऐसे ही मारा और बेचारे गिर गई। और थोड़ी देर में मैं सोचा पानी पिला दो शायद बच जाएगी, पर बची नहीं। तो मैंने क्या किया कि एक डंडा वहां पे लगाया, वहां पे बीज के पास में, और उसके बाद दिया, लेकिन उसके बाद भी सब आके खा रहे थे, कोई मतलब ही नहीं निकला। तो मुझे लगा कि यार कहानी बस किताबों में ही थी, रियल में ऐसा नहीं कुछ हो रहा। सतीश भाई आपका कोई एक्सपीरियंस हो बताइए, आज ये ब्लॉग नहीं ये वो हो गया, इंटरव्यू हो गया ना, इंटरव्यू टाइप हो गया ना, जैसे कोई चलते फिरते दो बेवकूफ टाइप लोग मिल जाए उनका इंटरव्यू ले रहा है एक स्मार्ट रिपोर्टर, तो मैं वही वाला हूँ कैमरामैन विवेक के साथ, दो बेवकूफ लड़के गांव के, कैमरा लेके घूम रहे हम तीनों लोग, लेकिन दो बेवकूफ टाइप का कोई मिल ही नहीं रहा। मिल जाता तो थोड़ा बहुत कुछ काम बनता, बताया हो गया ना बस। अरे कुछ और भी बताया नहीं यार। अच्छा वही नहाने वाला था आपका ना, नहाए थे पूरा एकदम जबरदस्त, साबुन लेके आते थे? नहीं वैसे दूसरे से साबुन थे, अरे बिना साबुन साबुन के। तो कपड़े लेके आते थे? कपड़े लेके आते थे हाँ। इतना सोच के बोल रहे इसका मतलब कपड़े लेके नहीं आते थे क्या? गमछा, इसका मतलब कपड़े लेके नहीं आते थे, नहीं आते थे, नहीं आते थे। गमछा सुनिए, चिड़ियों की जो आवाज होती है, हम लोग म्यूजिक सुनते हैं ना, यहाँ पर आपको ओरिजिनल सुनने को मिल रही है। तो उतना चिड़िया भी नहीं रहेगी, पहले हम लोग बच्चों में जब से मतलब पहले जब छोटे थे, बच्चे में तो छोटे ही होते सब लोग, तब सुबह सुबह जगते थे तो चिड़ियों की आवाज़ से हम लोग की आंखें खुलती थी। नहीं तो ये अभिषेक बोल रहे थे चिड़िया नहीं थी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे बचपन याद आ जाता है बार बार, तो बाढ़ भी उसमें से एक है। अभी मतलब यहाँ पर आने के बाद अपनी वही सब पुरानी मेमोरीज जो है रिकॉल हो जाती हैं कि यार हम लोग बचपन में ऐसे घूमते थे, ये किया, ऐसे देखा, एक क्रेज होता है पता नहीं क्या। जैसे पहले था बचपन में लोग जाने नहीं देते थे घर से कि अरे बाहर में जा रहे हो वहाँ पे पानी है, चोरी से आना पड़ता था, झूठ बोल के आना पड़ता था, और आज खुद आ सकते हैं तो रोज नहीं आएंगे। फिर भी आज हुआ कि सतीश भाई जिद कर रहे हैं, जोरदार जिद पर हम लोग यहाँ आए थे। कल मेरे घर पे आए थे, कह रहे हैं कि बाढ़ देखने चलोगे, मेरी बाइक पापा लेके गए हुए थे। मैं बोला नहीं आज पापा की बाइक नहीं हो, मेरी वाली बाइक लेके गए हुए हैं। कह रहे मैं अपनी लेके आता हूँ, लेकिन हमने कल मना कर दिया कि नहीं यार आज मूड नहीं है। आज फिर आ गए, कह रहे वो बाढ़ देखने चला जाएगा, तो आज फिर बोले कि चलो यार चल ही लेते। जैसे बारिश होती है तो कुछ लोगों के लिए तो सुहाना मौसम होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए दर्दनुमा भी होता है, जिनकी गेहूं की फसलें पकी हो और गीली हो जा, नुकसान हो जा। तो बाढ़ भी है एक तरफ से, देखने का भी क्रेज तो है, लेकिन बहुत से लोगों के यहाँ पे सपने भी डूब रहे होंगे, जो ये सब फसलें हैं नुकसान हो जाएंगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फसल पे ही निर्भर होते हैं, तो उनका काफी नुकसान हो जाता है। तो खैर कुछ चीजें होती हैं जो हमारे आपके कंट्रोल में नहीं होती, इसी को कहते हैं ना नेचुरल डिजास्टर, जिसको क्या कहते हैं वो प्राकृतिक आपदा, जिसमें हमारा आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, और ऐसे में तो इंश्योरेंस वाले भी हाथ खड़े कर देते हैं। बज गए हैं शाम के 7 और अब क्या है, अब कोई काम होगा नहीं, अंधेरे में खाने का इंतजार रहता है। 8:30 बजे हम लोग खाना खाते हैं। अब से एक भाई गए थे सब्जी लेने सतीश के साथ, तो वो भाई उनको फुल्की पसंद है। अच्छा आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं? हम लोगों के साइड में इसको फुल्की कहते हैं ना, कुछ जगहों पे मैंने सुना है पानी पूरी कहते हैं, कुछ जगहों पे बतासा पानी कहते हैं। तो अभी सब लोग आप लोग अलग अलग जगह के हैं मुझे पता है, तो अपने अपने अकॉर्डिंग बताइएगा कि इसको आपके यहाँ क्या कहते हैं, ठीक है? तो देखते हैं क्या क्या नाम है, एक दूसरे को पता भी चल जाएगा। बाकी जो खाने वाले लोग हैं वो खा रहे हैं बेशर्मों की तरह, और मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, और मतलब पसंद क्या मैं अवॉइड करता हूँ, पहले ज़्यादा खाता था बट आजकल थोड़ा अवॉइड करता हूँ, फिर भी एक दो मैंने खा लिया है।
और पसंद अलग अलग हाँ वो सही बात है, कुछ लोग बेकार चीजें खाना पसंद करते हैं और हमारे जैसे लोग बेकार चीजें नहीं खाते हैं। तो अभी पिज्जा भी तो बेकार है। नहीं पिज्जा अच्छी चीज है, पिज्जा भी तो बर्गर पिज्जा अच्छी चीज होती है, ये बेकार चीज है। तो अभी भाई इस ब्लॉक में यहीं पर फिनिश करने वाला हूँ क्योंकि अब हो गई रात, रात को कैमरा और मैटर दोनों खत्म हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।